सो हेलो पॉप के दीवानों, कैसे हो भाइयों आप सब। आज शुरू करते हैं किड शॉर्ट से। सो बीफ सीजन अभी खत्म नहीं हुआ है, मे बी किड शॉर्ट एक डिस्ट्रैक्ट लेके आने वाले हैं। उन्होंने अपनी स्टोरीज पे कहा है, अ बीफ आई नीड टू सेटल दिस वीक, इस सांप की खबर लेनी बनती है, स्टे ट्यून्ड। ऑफ कोर्स उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, बट शायद वो कर्मा के लिए एक डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप करने वाले हैं। जैसे आपको पता ही है, पास्ट में दोनों एक दूसरे पे शॉर्ट्स ले चुके हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। खैर आज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक तगड़ा सा ट्रैक सुनाता हूं, जो कि है डी फ्लाकू का हराम फ्री वर्स। एक छोटा सा पार्ट आप लोग यहां सुन लो। अब उसके पेट में लात मारे मेरा रोनाल्डो। सो यस, सही में काफी तगड़ा है ट्रैक। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अब भी चेक करना। हम बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि नेजी फिलहाल बिग बॉस में है, एंड डीएचएस से काफी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बट फिलहाल मुंबई की ही रैपर येड़ा अन्ना ने नेजी की एक स्टोरी बताई है जो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस करी है। आप देखिए उन्होंने क्या कहा। रियल स्टोरी बोल रहा हूँ, झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ। MTVSL का फर्स्ट साइफर हुआ था, मुझे अभी भी याद है। नेजी मेन गेस्ट था उसमें। एक बंदा आया था, हैंडीकैप था, बहुत अच्छे से बात किया, मुझे भी काफी अच्छा लगा। उससे मैं बोला, अन्ना बोले मेरे को निजी जबा से मिलना है। मैंने बोला ठीक है, निजी जबा मिल जाएगा, क्योंकि तेरे को देख के तो मुझे लगता है कोई भी बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यार ऐसे बंदों को तो फर्स्ट प्रिविलेज दिया जाए। मैंने बंदे को थर्ड फ्लोर पर बुलाया, वो थर्ड फ्लोर चढ़ के आया। निजी को मैंने बोला भाई इसका सेल्फी दे दे, निजी ने डायरेक्ट मना कर दिया चल ऐसा करके। मेरे को इतना बुरा लगा वो दिन से ना, वो दिन और आज का दिन है भाई। मैं नेजी को जितना मेरी रिस्पेक्ट, नेजी सब चली गई है। तो ये जो पीआर चालू है बिग बॉस का, वोट मारो ये मारो, भाई वोट उनको ही मारो जिनको आप लाइक करो। ये हिप हॉप विप हॉप कुछ नहीं है, ये आगे जाके तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मारने वाले, तो बी केयरफुल हु यू वोट फॉर। बढ़ते हैं आगे। तो बंटा रिकॉर्ड्स के एक्स आर्टिस्ट एक्सटेसी से Q&A में पूछा गया, MEV के साथ सब ठीक है ना ब्रो। तो एक्सटेसी ने कहा है, हाँ ब्रो सब ठीक है, ऑल चिल। बाकी गाने क्यों नहीं आ रहे आजकल MEV के, पता नहीं, मे बी गेयरिंग अप फॉर अ बिग प्रोजेक्ट। नेक्स्ट अपडेट करण औजला की तरफ से। सो भाई करण औजला स्पॉटिफाई के टॉप 100 ग्लोबल चार्ट के अंदर आ चुके हैं, अगेन सिर्फ इंडिया नहीं ग्लोबल चार्ट में। इट्स अ ह्यूज थिंग, भाई को बधाइयां। इसके अलावा पैंथर की मिक्स टेप फ्लाइंग टूवर्ड्स द सिटी ने 24 मिलियन स्ट्रीम्स क्रॉस कर लिए हैं, सो उनको भी बधाइयां। एंड हसल 3 के कंटेस्टेंट रह चुके शेनबी की EP आ रही है सियापा 12th ऑफ जुलाई को। तो बस यार इतना ही, यहां से सीधा ये ट्रैक सुनने चले जाना प्लीज। मजबूर हूँ जब तू मिली तेरी भीगी भीगी कर अच्छी की विगी है, टोली काफी है हराम ब्रो।